प्राथमिकताएं गरीब कल्याण की हैं और जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने हम सबके ऊपर दी है उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ पूरी मेहनत से उसको निभाएंगे ये विश्वास दिलाते हैं। बिहार के लिए क्या कुछ आपको लगता है प्राथमिकता रहेंगी पीएम के मन के? देखिए बिहार में ये खूबसूरत संयोग है कि एक डबल इंजन की सरकार बिहार को मिली है और मैं मानता हूँ कि आने वाले सालों में बिहार बिहारियों की जो उम्मीदें थी उसको जरूर ये सरकार पूरा करेगी। बहुत लोग कहते हैं कि बिहार को मिलना चाहिए, ये पूरी तरीके से ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जिसको जो देना चाहे वो सब स्वीकार। जेडीयू ने उसका विरोध किया, ये गठबंधन स्वतंत्रता देता है हर तरीके के विषयों पर चर्चा करने की, जब जरूरत होगी हम लोग बैठे। अरे प्राथमिकताएं गरीब कल्याण की हैं और जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने हम सबके ऊपर दी है उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ पूरी मेहनत से उसको निभाएंगे ये विश्वास दिलाते हैं। बिहार के लिए क्या कुछ आपको लगता है प्राथमिकता रहेंगी पीएम के मन के? देखिए बिहार में ये खूबसूरत संयोग है कि एक डबल इंजन की सरकार बिहार को मिली है और मैं मानता हूँ कि आने वाले सालों में बिहार बिहारियों की जो उम्मीदें थी उसको जरूर ये सरकार पूरा करेगी। बहुत लोग कहते हैं कि बिहार को मिलना चाहिए, ये पूरी तरीके से ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जिसको जो देना चाहे वो सब स्वीकार। जेडीयू ने उसका विरोध किया, ये गठबंधन स्वतंत्रता देता है हर तरीके के विषयों पर चर्चा करने की, जब जरूरत होगी हम लोग बैठे। अरे जी प्राथमिकताएं गरीब कल्याण की हैं और जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने हम सबके ऊपर दी है उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ पूरी मेहनत से उसको निभाएंगे ये विश्वास दिलाते हैं। बिहार के लिए क्या कुछ आपको लगता है प्राथमिकता रहेंगी पीएम के मन के? देखिए बिहार में ये खूबसूरत संयोग है कि एक डबल इंजन की सरकार बिहार को मिली है और मैं मानता हूँ कि आने वाले सालों में बिहार बिहारियों की जो उम्मीदें थी उसको जरूर ये सरकार पूरा करेगी। बहुत लोग कहते हैं कि बिहार को मिलना चाहिए, ये पूरी तरीके से ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जिसको जो देना चाहे वो सब स्वीकार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।